वेलकम एंड गुड इवनिंग ऑल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो टॉपिक्स देखने वाले हैं वे हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट्स, प्लेसमेंट रूल्स ऑफ डबल ऑब्जेक्ट्स, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हम इतने इतने टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से। शुरू करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स की हिंदी होती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जैसा कि हिंदी में जानते हैं कि क्रिया के साथ कर्म का होना सकर्मक क्रिया कहलाता है। मतलब सेंटेंस में जब सेंटेंस का पूरा मीनिंग निकलने के लिए क्रिया के साथ कर्म का होना अनिवार्य होता है, तो उस तरह की क्रिया को जिनके साथ कर्म होना ही होता है बोलते हैं सकर्मक क्रिया हिंदी में। एनीवेज, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज विच नीड अन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर एक्शन। ट्रांजिटिव वर्ब्स वैसे वर्ब्स हैं जिनको ट्रांजिटिव वर्ब्स को जरूरत होती है, नीड होती है अन ऑब्जेक्ट की, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है किनको, ट्रांजिटिव वर्ब्स को जरूरत होती है टू कंप्लीट देयर एक्शन, अपना एक्शन कंप्लीट करने के लिए। जैसे यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हूँ अगर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इतना, सिंधु वोन, तो यहाँ पे वन एक वर्ब है, तो यहाँ पे सिंधु वन से कोई कंप्लीट मतलब नहीं हुआ। इन अदर वर्ड्स वर्ब ने अपना कंप्लीट एक्शन को एक्सप्रेस नहीं किया है, तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा और वह है अ गोल्ड मेडल। तो सिंधु वन गोल्ड मेडल, यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है वर्ब अपना एक्शन कंप्लीट कर रहा है, अर्थात वर्ब के लिए कर्म की, ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इसके बिना वर्ब वर्क नहीं करेगा, इसलिए बोलते हैं ऐसे क्रिया को जिनके लिए कर्म कंपल्सरी होता है सकर्मक क्रिया। ऐसे यहाँ पे द पुलिस कॉट द थीप, पुलिस ने चोर को पकड़ा। अगर थीप को हम नहीं देखते हैं द पुलिस कॉट, तो पुलिस ने क्या कॉट, तो यहाँ पे मतलब नहीं समझ में आएगा, कॉट का एक्शन कंप्लीट नहीं होगा। कॉट का एक्शन कब कंप्लीट होगा, जब यहाँ पे कुछ रहे उसके एक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो द थीप, तो पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो यहाँ पर भी जो ये द थीप है ऑब्जेक्ट है और वर्ब है कॉट, तो वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है, आवश्यकता है, और इसलिए इस वर्ब को कहेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब। तो क्या डेफिनेशन है, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज विच नीड अन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर एक्शन, जिनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है कम से कम, जो अपने एक्शन को कंप्लीट कर सके, दूसरे वर्ड्स इन अदर वर्ड्स सेंटेंस का पूरा मतलब निकल सके। अब देखिए जो नोट में लिखा हूं इसे ध्यान से देखिए। ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइड बाई आंसरिंग द क्वेश्चन हुम और व्हाट टू द वर्ब। जो वर्ब है वर्ब के साथ हम हुम क्वेश्चन करेंगे, अगर इसका आंसर मिलता है, अथवा अगर वर्ब के साथ व्हाट का क्वेश्चन करेंगे आंसर मिलता है, तो हम कहेंगे कि वह क्रिया सकर्मक क्रिया। जैसे सिंधु ओन अ गोल्ड मेडल, तो अब पहले हुम देखते हैं, सिंधु ओन, तो हुम ओन, तो हुम ओन तो आंसर नहीं आएगा, बट अगर कहते हैं व्हाट ओन, वर्ब के साथ व्हाट का क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो व्हाट ओन, तो गोल्ड मेडल, तो यहाँ पे व्हाट का आंसर आ रहा है। ऐसे ही द पुलिस कॉट द थीप, यहाँ पे अगर हम हुम कहते हैं पहले, तो हुम कॉट, तो द थीप, तो हुम का आंसर आ रहा है, तो यह भी एक कर्म सकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर व्हाट करते हैं द पुलिस कॉट व्हाट, तो व्हाट व्हाट तो नहीं आ रहा उतना समझ में, व्हाट तो किसी वस्तु के लिए होता है, लेकिन थीप क्या एक पर्सन है, इसलिए यहाँ पे व्हाट का आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए आंसर मिल रहा हुम का। तो हुम या व्हाट किसी का भी आंसर अगर वर्ब के साथ मिल जाए तो उसे कहेंगे हम, पहचान लेंगे कि वो सकर्मक है, ये पहचानने का तरीका रहेगा, इसलिए नोट में लिखा हुआ है। अब अकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज विच डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर एक्शन, जिनको अपना एक्शन करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, जिन वर्ब्स को वो अपने आप ही कंप्लीट कर लेते हैं एक्शन, इनको इनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, इनको बोलते हैं अकर्मक, मतलब क्रिया बिना कर्म वाली। देखिए द चाइल्ड स्लिप्स, इन दिस सेंटेंस द चाइल्ड इज सब्जेक्ट एंड स्लिप्स इज वर्ब, देयर इज नथिंग एल्स।
एंड इसका पूरा सेंटेंस का मतलब ही है, मतलब यहाँ पे जो वर्ब है अपना एक्शन कंप्लीट कर रहा है, बच्चा आराम से सो रहा है, यहाँ पे स्लीप्स का इस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग आ रहा है, इसका मतलब एक्शन कंप्लीट कर रहा है वर्ब। द बर्ड्स आर चर्पिंग, चर्पिंग मतलब चहचहाना, पक्षी चहचहा रहे हैं या चिड़िया चहचहा रही हैं, हिंदी इसका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को मिलाकर इसको वर्ब कह देते हैं, वर्ब यहाँ पे है और यहाँ पे सब्जेक्ट है और नथिंग इल्स इज देयर, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है और इस सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है, मतलब जो चर्पिंग है ये अपना एक्शन कंप्लीट कर रहा है। तो वर्ब जिसको अपना एक्शन कंप्लीट करने के लिए नहीं जरूरत पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी कर्म की, कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। दोनों का डेफिनेशन देख लिया, ट्रांजिटिव वर्ब में कर्म जरूरी है और इंट्रांजिटिव में नहीं है। ट्रांजिटिव में जो कर्म होगा पहचानने के लिए हुम और व्हाट से क्वेश्चन करेंगे वर्ब के साथ। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब में देख रहे हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका होगा, ट्रांजिटिव वर्ब का ही होगा, तो डेफिनेटली ये ट्रांजिटिव वर्ब का ही सेगमेंट है, तो उसी में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या कहा कि आप वर्ब के साथ क्वेश्चन करेंगे व्हाट और क्वेश्चन करेंगे हुम, किसी एक का आंसर आएगा। अगर व्हाट का आंसर आता है तो वो जो ऑब्जेक्ट कहलाएगा वो कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट का आंसर आएगा तो कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पढ़ देता हूं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब एंड इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय इट। सिंपल सा मतलब है कि सेंटेंस में व्हाट का अगर आंसर मिल रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए समंता थ्री द बॉल, समंता ने बॉल फेंका, तो यहाँ पे वर्ब के साथ व्हाट थ्री, क्या फेंका, तो व्हाट तो द बॉल, तो यहाँ पे व्हाट का हमें मिल रहा है आंसर। देख क्वेश्चन बना दिया है, व्हाट डिड समंता थ्रो, समंता ने क्या फेंका, व्हाट और वर्ब के साथ हमने क्वेश्चन बनाया, इसका आंसर है द बॉल, तो आंसर मिल रहा है व्हाट का, इसलिए जो ये ऑब्जेक्ट है द बॉल, इस ऑब्जेक्ट को कहेंगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे कहेंगे, ऑब्जेक्ट को कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऐसे ही डायरेक्ट का उल्टा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और डेफिनेटली ऑब्जेक्ट है तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब का ही पोर्शन होगा। यहाँ पे हुम का आंसर मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में व्हाट का मिला था, यहाँ हुम का मिलेगा, माई मदर हग्ड माई ब्रदर, मेरी माँ ने मेरे भाई को गले लगाया। अब हुम का आंसर क्वेश्चन कैसे बनेगा, हुम डिड माई मदर हग, मेरी माँ ने किसे गले लगाया, आंसर माई ब्रदर, जो सेंटेंस है उसके आधार पे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हुम का आंसर मिल रहा है, तो जब व्हाट का आंसर मिल रहा है तो डायरेक्ट, जब हुम का मिल रहा है तो इनडायरेक्ट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे लिख दिया हूँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर पार्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स के अंतर्गत ही आते हैं। अब डबल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट भी डेफिनेटली ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब ही होगा, तो डबल ऑब्जेक्ट में क्या होगा, डबल ऑब्जेक्ट में सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी रहेगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी रहेगा, दोनों रहेंगे एक ही साथ एक ही सेंटेंस में, तो उनको कहेंगे डबल ऑब्जेक्ट। देखिए नितिन टोल मनु अ जोक, नितिन ने मनु को एक चुटकुला कहा, नितिन यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब, मनु यहाँ ऑब्जेक्ट और जोक भी ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आंसर मिलेगा व्हाट का, तो नितिन टोल्ड व्हाट, तो क्या कहा नितिन ने, तो जोक कहा, तो जोक क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं जोक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और नितिन टोल्ड हुम किसको कहा, तो मनु को, तो हुम का आंसर मिल रहा था, यहाँ मनु हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं, याद रखिए खाली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे या केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे, दोनों मिक्स करके रहेंगे सेंटेंस में, इनको कहेंगे हम डबल ऑब्जेक्ट्स। डबल ऑब्जेक्ट्स में एक होगा डायरेक्ट एक होगा इनडायरेक्ट, राइट। तो यहाँ पे मनु है आप देख रहे हैं और यहाँ पे अजोक है। आगे प्लेसमेंट देखते हैं, जो हमने देखा डबल ऑब्जेक्ट देख लिया, अब डबल ऑब्जेक्ट में कौन किधर रहता है, जैसे यहाँ पे मैं जानबूझकर नहीं बताया कि मनु और अजोक में कौन कौन सा है, अभी देखते हैं कौन डायरेक्ट होता कौन होता है, कहाँ पे प्लेसमेंट आता है।
आप तो जानते हैं डायरेक्ट कौन सा होता है, जो व्हाट का आंसर होता है वो डायरेक्ट होता है। यहाँ देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट का आंसर, और जो रहता है इनडायरेक्ट जो होम का आंसर वो इनडायरेक्ट होता है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप एक तरह से देख रहे हैं कि सेंटेंस में पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन प्लेसमेंट में पढ़ते हैं, प्लेसमेंट में कहा है कि नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह पहले आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। नॉर्मली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है। देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मनु पहले आया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे भी सेंटेंस में देखिए आई बॉट राम अ वॉलीबॉल, मैंने राम के लिए एक वॉलीबॉल खरीदा। तो यहाँ पे देखिए हुम का आंसर आएगा, फॉर हुम, तो फॉर हुम में यहाँ पे हुम है ना, फॉर भी लगा देंगे तो यहाँ राम होगा। और यहाँ पे व्हाट, तो व्हाट के लिए क्या आएगा, अ वॉलीबॉल, अ वॉलीबॉल। तो इस तरह से जो अ वॉलीबॉल है यह एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो राम है यह एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसका क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि नॉर्मली जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा पहले आएगा, मतलब राम को पहले आना है तो राम पहले आया हुआ है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बाद में आएगा, तो वॉलीबॉल बाद में आया हुआ है, अब वॉलीबॉल। तो इस तरह से पहला केस में यह होता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। एक तरीका भी है, एक बोलते हैं इसको हिंदी में सजीव और एक बोलते हैं निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो आप जानते हैं लिविंग कौन है, लिविंग राम है, और नॉन लिविंग कौन है। तो अगर हमें प्राथमिकता देनी पड़े तो हम सबसे पहले सजीव को रखेंगे बाद में निर्जीव को रखेंगे। तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे इस ट्रिक से कि सजीव पहले रहेगा निर्जीव बाद में रहेगा, ये केस नंबर वन है। राम पहले रहेगा भले ही, मतलब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है राम, लेकिन ये पहले रहेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है। वाट से जिसका भी आंसर करते हैं निर्जीव का, और हुम से आंसर करते हैं सजीव का, ये आप प्रीपोजिशन में देख चुके हैं, जो वीडियो है आपके पास अवेलेबल है। आगे केस टू, केस टू में है कि द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉर्मली कम्स बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये गलत लिख दिया है, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वंस इनडायरेक्ट, आई ऊपर तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज हैविंग या इज रिटेन विद अ प्रीपोजिशन। मतलब अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशन के साथ लिखते हैं तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में हो जाएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा। हमने क्या देखा है पीछे, हमने पीछे देखा है आई बॉट राम अ वॉलीबॉल, यही देखा है। यहाँ पे आपने देखा कि राम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल में घेर रहा हूँ यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पहले है आई ओ और बाद में है डी ओ। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि डीओ रहेगा और बाद में रहेगा आईओ, लेकिन आईओ के पहले प्रीपोजिशन होना चाहिए। तो अब देखिए आई बॉट अ वॉलीबॉल फॉर राम, यहाँ यह भी सेंटेंस हो सकता है। आई सब्जेक्ट ये वर्ब हो गया, वॉलीबॉल हो गया एक ऑब्जेक्ट और राम हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट, फॉर प्रीपोजिशन हो गया। तो यहाँ पे जो वॉलीबॉल है वॉलीबॉल एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पहले है और इनडायरेक्ट बाद में है। तो कहने का मतलब यही है कि नॉर्मली आपको क्या करना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखना है। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के साथ लिखा हुआ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो वह बाद में रहेगा। जब हम वॉइस पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत ही प्रयोग करना पड़ेगा हमें इसका। तो इस तरह से प्लेसमेंट के दो रूल्स थे, दो रूल्स देख लिया। अभी हम कॉम्प्लीमेंट्स देखते हैं, जो अलग अलग टॉपिक है। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, अलग मतलब इनसे ही संबंधित है, ऐसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। कॉम्प्लीमेंट्स इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का एक पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट,
दैट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बता देता हूं आपको कि ऑब्जेक्ट नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यह कुछ और होता है, सेंटेंस में ही रहता है, कुछ और होता है। लेकिन यह क्या करता है और रहता है तो कुछ काम करता है, इंफॉर्मेशन देता है, बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बताएगा चाहे ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा? सब्जेक्ट के बारे में चाहे ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। यह ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। जैसे यू सीम वेरी काइंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस सेंटेंस से हमें कंप्लीट सेंस निकल रहा है। यू सीम वेरी काइंड मतलब आप बहुत ही दयालु प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पे यू हो गया सब्जेक्ट, सीम हो गया वर्ब, और यह तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्योंकि ना आपको व्हाट का आंसर मिलेगा ना हुम का आंसर मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो कुछ तो है, यह है कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या कर रहा है? वेरी काइंड कौन है, किसके बारे में बता रहा है? वेरी काइंड यू के बारे में। तो यह सब्जेक्ट के बारे में अधिक इंफॉर्मेशन दे रहा है। दूसरा देखिए सेंटेंस, यू आर द राइट पर्सन टू हेल्प। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आर हो गया वर्ब, द राइट पर्सन यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे टू हेल्प हो गया कॉम्प्लीमेंट। क्या कहा कि कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा? या तो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा या ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट वाला उदाहरण यहाँ पे है, देखिए। तो देखिए, आप सही आदमी हैं जिन्हें सहायता करनी है। आप सही आदमी हैं जिन्हें सहायता करनी है, यू आर द राइट पर्सन टू हेल्प, आप सही आदमी हैं। तो यहाँ पे राइट पर्सन को हेल्प करने का विचार है, तो इसलिए राइट पर्सन को हेल्प करना है। ऐसा नहीं कि आप अगर राइट पर्सन नहीं होते तो नहीं करता। तो राइट पर्सन को यह के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, राइट पर्सन को हेल्प करना है, इसलिए यह ऑब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में, यहाँ ऑब्जेक्ट के बारे में। तीसरा, द लिटिल गर्ल सीम्स लॉस्ट, छोटी बच्ची खोई खोई दिखती है। अब यहाँ पे देखिए सीम्स वर्ब हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और लॉस्ट का पता नहीं है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, बट लॉस्ट क्या कर रहा है? लिटिल गर्ल के बारे में बता रहा है कि छोटी लड़की, तो यह सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे सब्जेक्ट को इन्फॉर्म कर रहा है, यह कॉम्प्लीमेंट है। द हाई कोर्ट हेल्ड द कन्विक्ट गिल्टी, कन्विक्ट मतलब आरोपी, गिल्टी मतलब दोषी। तो द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय आरोपी को दोषी ठहराया, उच्च न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया। तो यहाँ पे द हाई कोर्ट हो गया सब्जेक्ट, हेल्ड हो गया वर्ब, द कन्विक्ट हो गया ऑब्जेक्ट, और गिल्टी कॉम्प्लीमेंट है। किसको कॉम्प्लीमेंट करेगा? तो जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि गिल्टी को, गिल्टी किसको ठहराएगा? कन्विक्ट को, हाई कोर्ट को नहीं, कन्विक्ट को। इसलिए यह ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वह सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन वह ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, वही लिखा है। जो सब्जेक्ट बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जो हमने पीछे पढ़ा उसी का और भी उदाहरण हो गया, जैसे हर मदर इज हैप्पी, यहाँ वर्ब है, हर मदर सब्जेक्ट है, और हैप्पी कॉम्प्लीमेंट है, तो हैप्पी कौन है? मदर है। फिर ऐसे ही राम्स फादर इन द आर्मी, यहाँ पे देखिए तो यहाँ वो वर्ब है, ये इधर सब्जेक्ट है, और आर्मी के पहले, आर्मी जो डिफेंस फोर्सेस उसके ऊपर द लगता है, तो इसे द लगाया हुआ है। राम्स फादर इज इन द आर्मी, तो यहाँ पे ये जो इन द आर्मी है यह सब क्या है? यह कॉम्प्लीमेंट है, और किसके बोल रहा है? राम्स फादर के बारे में बोल रहा है, इसलिए यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हिमा दास इज अ स्प्रिंटर, तेज धावक, हाँ स्प्रिंटर मतलब तेज गति से दौड़ने वाली, चाहे दौड़ने वाला। तो हिमा दास सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब, अ स्प्रिंटर हो गया कॉम्प्लीमेंट। क्यों, किसको कॉम्प्लीमेंट करेगा? हिमा दास को, दौड़ती दौड़ती कौन है? हिमा दास दौड़ती है। अब जब ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। जैसे अब देखिए, द क्लास टीचर सब्जेक्ट, मेड वर्ब, सुशील ऑब्जेक्ट, और फिर द कैप्टन भी एक वर्ड है जो कॉम्प्लीमेंट है। तो अब बताइए, क्लास टीचर मेड सुशील द कैप्टन, क्लास टीचर ने सुशील को कैप्टन बनाया,
तो यहाँ पे कैप्टन किसको बनाया? सुशील को। इसलिए सुशील के बारे में, ऑब्जेक्ट बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए इसका कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही द गवर्नमेंट नेम राज ऋषि कुमार शुक्ला द चेयरमैन। गवर्नमेंट ऋषि कुमार शुक्ला को चेयरमैन नामित करती है। तो यहाँ पे जो ऋषि कुमार शुक्ला है ये ऑब्जेक्ट हो गए, नेम हो गया वर्ब और गवर्नमेंट हो गया सब्जेक्ट। तो द चेयरमैन किसको बनाया? ऋषि कुमार शुक्ला को। तो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, चेयरमैन बने हैं। तो इस तरह से ऐसे ऋषि कुमार शुक्ला सीबीआई के चेयरमैन है, जो वर्तमान चेयरमैन है वो ऋषि कुमार शुक्ला ही है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में जो कॉम्प्लीमेंट्स होता है ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इस तरह से हमारा टॉपिक दोस्त थे, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है देख लिया, इन ट्रांजिटिव वर्ब देख लिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है जहाँ पे आपको आंसर मिलता है व्हाट का, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है जहाँ पे आपको आंसर मिलता है होम का, डबल ऑब्जेक्ट्स भी होता है आपने देखा है, डबल ऑब्जेक्ट्स का प्लेसमेंट का दो रूल्स देखा है, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं ये देखा, और उसके दो प्रकार होते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू वेरी मच।